हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज है सैटरडे इवनिंग। सैटरडे इवनिंग को सैटरडे इवनिंग विद विवेक हमारी एक सीरीज चली हुई है, जिसमें हम अपनी लाइफ को बेटर बनाने के बारे में बात करते हैं। डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के बारे में हम बात नहीं करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो ये है कि ऐसा क्या किया जाए सोने से 10 मिनट पहले कि हम अपनी लाइफ को ज्यादा अच्छे से अचीव कर पाए, उसको बेटर बना पाए, जो अपने गोल्स हैं उनको अचीव कर पाए। तो जब ये गोल्स की बात आती है तो यहाँ पर 4 स्टेप्स हैं। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके हम कहीं ना कहीं जो हमारा माइंड है और हम खुद हैं वो अपने गोल की तरफ ज्यादा अच्छे से पहुंच पाएंगे। हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा रास्ता अपने गोल तक पहुंचने का। तो गोल तक पहुंचने का जो रास्ता है उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले एक न्यू नोटबुक लेनी है, न्यू कॉपी लेनी है, न्यू रजिस्टर लेना है, आप उसको कुछ भी नाम दें। तो जो न्यू नोटबुक होगी उसमें सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमें अपने गोल्स लिखने हैं। वो कौन से गोल्स होंगे, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, लेकिन वो बड़े अल्टीमेट गोल्स होने चाहिए। वो ये नहीं होना चाहिए कि कोई छोटा सा गोल हो। वो छोटे से गोल के लिए हम बाद में बात करेंगे, वो सब गोल्स बन जाएंगे। यानी कि एक मेन गोल होगा, उसके छोटे छोटे से गोल्स अलग से बन जाएंगे, वो बाद की बात है। लेकिन सबसे पहले मेन गोल्स लिखेंगे। जैसे किसी का हो सकता है ये पर्पस हो लाइफ में, अल्टीमेट गोल अचीव करना कि मेरे पास इतने पैसे हों, या किसी का ये दूसरा हो सकता है कि मेरे पास इतनी डिग्रियां हों, या फिर किसी का हो सकता है कि मैं स्पोर्ट्स में इस लेवल तक पहुंच जाऊं, या फिर किसी का हो सकता है कि मैं एक अच्छा बड़ा म्यूजिशियन बनूं, या फिर हो सकता है किसी का कि मैं मैथमेटिशियन बनूं। तो वो कुछ भी पर्पस हो सकता है, हर किसी के पर्पस, हर किसी के गोल्स अलग अलग हो सकते हैं। हम में से कुछ के गोल्स ये भी हो सकते हैं कि मैं अपने बच्चे को बाहर पढ़ने भेजूं, मेरा बच्चा प्रोफेसर बन जाए या फिर डॉक्टर बन जाए। तो जो भी आपके गोल्स हैं, 1, 2, 3 मैक्सिमम 3 गोल्स लिखने हैं, और 3 गोल्स लिखने हैं, क्योंकि हम में से किसी का भी सिर्फ एक ही मकसद नहीं होता इस लाइफ में, एक से ज्यादा मकसद होते हैं, एक से ज्यादा गोल्स होते हैं। तो आराम से सोचो, और रात को सोने से पहले 10 मिनट्स हमने अपनी इस पूरी प्रोसेस पर एवरीडे स्पेंड करने हैं। सो 10 मिनट्स स्पेंड करने हैं। तो इस रजिस्टर को और इस पेन को हमने कहाँ रखना है, जो हमारे बेड के बगल में साइड में जो साइड टेबल होती है, स्टूल होता है, अगर आपके पास नहीं है तो जहां भी आपके पास हो आसानी से एक्सेसिबल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बेड पर आ गए और अभी सोने का मन है, अभी उसको आपने वापस रिव्यू करना था जैसे मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से, लेकिन आपको लेजीनेस आ रही रजिस्टर या कॉपी लेकर आने में, नोटबुक लेकर आने में। तो इतनी दूर नहीं रखना है जहां से आप लेजी हो जाओ, और उसको पास में ही रखना है। तो फर्स्ट हमने क्या करना है, उसमें 3 अपने गोल्स, मेन अल्टीमेट गोल्स को वहां पर नोट डाउन करना है। सो दैट इज द मेन टास्क। उसके बाद में हमने नेक्स्ट डे क्या करना है, तो पहले दिन सिर्फ यही लिखो, उससे ज्यादा कुछ मत लिखो, इसको आपके माइंड में चलने दो। क्योंकि एक चीज हमेशा से कही जाती है, जो सुपर सक्सेसफुल लोग हैं ये उनका कहना है कि जो चीज हम रात को सोने से पहले 10 मिनट तक जिस बारे में डिस्कशन करते हैं या मन में सोचते हैं, मन में हम चिंतन मनन जो भी करते हैं, अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सारी रात उस इंफॉर्मेशन पर, उस टॉपिक पर, उस सब्जेक्ट पर काम कर रहा होता है, उसके बारे में प्रोसेसिंग कर रहा होता है। जो भी अवेलेबल सोर्सेस या इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनके हिसाब से उसके बारे में कैलकुलेशंस कर रहा होता है। तो सबसे पहले दिन आज हमने 3 अल्टीमेट गोल्स लिखकर सोने हैं। एवरीडे वी विल बी स्पेंडिंग 10 मिनट्स ऑन दिस टॉपिक बिफोर स्लीपिंग एवरीडे। तो पहले दिन आज ही करना है। सेकेंड, कल क्या करना है, कल हमने इसके बाद इन 3 गोल्स को अचीव करने के लिए जो मेन टास्क हैं, जो टास्क को कंप्लीट करके हमारे ये गोल्स अचीव हो जाएंगे, उनको हमने नोट डाउन करना है। तो 3 गोल्स को अलग अलग नोट डाउन करो। एक ये गोल है, नेक्स्ट पेज पर दूसरे गोल को नोट डाउन करो, या तीसरे पेज पर नोट डाउन करो, या फिर एक ही जगह कर लो, लेकिन उसके जो टास्क है उनको अचीव करने के लिए वो कैटेगरी वाइज आप करो कि फर्स्ट गोल को अचीव करने के लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा। जैसे अगर किसी को सबसे अच्छा मैथमेटिशियन बनना है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसको मैथ से रिलेटेड एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और अर्थमेटिक, जितने भी मैथमेटिक्स हैं वो सारे अलग अलग सब्जेक्ट लिखो, उन सबकी क्लासेस लेनी पड़ेगी, उन सबको सीखना पड़ेगा। अब उसके बाद बात आएगी किससे सीखना पड़ेगा, वो 3rd टास्क है। तो यहाँ पर हमें मेन टास्क लिखने हैं। उसके जो सेकेंड डे हमने क्या करना है, मेन टास्क लिखने हैं कि इनको करके, इन टास्क को कंप्लीट करके अपने ये गोल्स अचीव हो जाएंगे। सो नाउ नेक्स्ट, जो 3rd डे हमने करना है, 3rd डे हमने लिखना है, एवरी डे का ये टास्क होगा,
थर्ड एंड फोर्थ जो टास्क होगा वो एवरीडे का होगा, क्योंकि जो फर्स्ट डे वाला टास्क है वो तो एक बार हमने लिख दिया, मेन गोल्स हमने मेंशन कर दिए, फिर उसके बाद में कौन कौन से मेन टास्क हैं जिनको पूरा करके हमारे गोल अचीव होंगे, ये हमारा हमने एक ही बार लिख दिया, क्योंकि ये बार बार चेंजेस नहीं होंगे, बार बार इसमें कुछ बदलाव की जरूरत नहीं होती है। फिर जो थर्ड है, थर्ड हमने करना है ये एवरीडे का टास्क है कि आज हमने पूरे दिन में इन तीनों मेन गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या कदम उठाया या हमने क्या काम किया। जब आप पूरे दिन का, पूरे सुबह से लेकर शाम तक का, रात तक का आप अपना पूरा एक्टिविटी का शेड्यूल चेक करोगे कि आज मैंने ये किया, तो इसका डायरेक्ट उनमें से कौन से काम का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन इन गोल को अचीव करने की तरफ है, आप जब ये स्क्रूटनाइज करोगे तो पता चलेगा कि हमने तो कुछ भी नहीं किया ऐसा जो इन गोल को अचीव करने में डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट करे, डायरेक्टली सहायक हो, हेल्प करे इन गोल्स को अचीव करने में। और जब हम ये देखेंगे कि हमने नहीं किया तो नेक्स्ट डे माइंड अपने आप आपको याद दिलाएगा कि ये सारे काम हैं जिसको करके आप यहां पर अपने इन गोल को अचीव कर पाओगे। तो छोटा छोटा सा फिर आपके माइंड में ये लगातार बैक ऑफ द माइंड लगातार चलता रहेगा, पूरे दिन चलेगा, पूरी रात चलेगा कि इस काम को करेंगे तो हमारे ये गोल अचीव होंगे, इस काम को भी करेंगे तो भी गोल अचीव होंगे। धीरे धीरे हमारे माइंड को हैबिट पड़ेगी कि किस तरीके से कौन से काम करके हम अपने इस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले गोल, उसके बाद में मेन टास्क, और मेन टास्क को कंप्लीट करने के लिए आज हमने क्या क्या किया। आप एवरीडे मेंशन करोगे, एवरीडे लिखोगे कि आज मैंने इस गोल को पूरा करने के लिए ये काम किया, और सेकंड गोल को पूरा करने के लिए ये काम किया, एंड थर्ड गोल को पूरा करने के लिए ये काम किया। जिस दिन आपने ये काम, इनमें से कुछ भी गोल को अचीव करने में कोई काम नहीं किया, उस दिन आपका टिक मार्क नहीं आएगा, वो स्पेस आपका ब्लैंक रहेगा, तो माइंड अपने आप से आपको याद दिलाएगा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अदरवाइज गोल्स कैसे अचीव होंगे। तो जब हम एक नोटबुक बनाकर रात को सोने से पहले 10 मिनट इस काम के ऊपर लगाएंगे कि पूरा दिन हमारा कैसा बीता, आगे का भविष्य जो हमारा इन तीन गोल के ऊपर डिपेंड करता है उसको लेकर हमने क्या काम किया, देन माइंड विल स्टार्ट वर्किंग अपॉन इट। और जब माइंड वर्क करेगा तो हमारे वो माइंड हमें अपने आप से आइडियाज देगा। सो ये तीन चीजें हो गई। फोर्थ क्या है कि इसको फास्ट करने के लिए अब मैं और क्या करूं। तो यहां पर दो चीजें होंगी, दो दो के दो सेट होंगे। फर्स्ट गोल यहां पर मेंशन करना, उसके बाद मेन टास्क यहां पर मेंशन करना इन गोल को अचीव करने के लिए। थर्ड है हमारा जो ये अलग सेक्शन है कि आज मैंने पूरे दिन में क्या किया, एंड फोर्थ है कि अब मैं इसको और बेटर करने के लिए क्या कर सकता हूं, इसको फास्ट अचीव करने के लिए क्या कर सकता हूं। तो पहले दो तो हमारे एक बार लिखे गए, फर्स्ट डे एंड सेकंड डे। उसके बाद जो बचे हुए टू हैं, यानी कि आज मैंने पूरे दिन क्या किया एंड मैं अभी और बेटर क्या कर सकता हूं, इस चीज पर डेली 5 मिनट्स हमने लगाने हैं। तो फर्स्ट 5 मिनट्स किस चीज पर लगाने हैं, एवरी डे, क्योंकि 10 मिनट्स स्पेंड करने हैं, फर्स्ट 5 मिनट्स लगाने हैं कि आज मैंने इस गोल को, इन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या क्या किया, एंड नेक्स्ट 5 मिनट्स हमने लगाने हैं कि और बेहतर मैं क्या करूं, कैसे करूं कि जिससे ये गोल जल्दी अचीव हो जाए एंड कंसिस्टेंटली मैं इनके ऊपर वर्क कर सकूं। तो यहां ये चीज अच्छी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने थर्ड जो हमारा सेक्शन है कि मैंने क्या क्या किया, अगर सपोज हमने उसमें 15 मिनट्स का कोई टास्क लिखा कि 15 मिनट्स मैंने ये काम किया जिससे मेरा ये गोल अचीव हो पाएगा, लेकिन जब हमने फर्दर उसके ऊपर सोचा कि 15 मिनट्स मींस बेहतर कैसे किया जाए, जल्दी कैसे किया जाए, तो क्वेश्चन मींस आंसर निकल कर आएगा कि 15 मिनट से तो काम नहीं चलेगा, शायद 30 मिनट्स लगाने हैं, तो 30 मिनट्स लगाने के लिए 30 मिनट्स होने चाहिए, वो 30 मिनट्स कैसे आएंगे, ओके, जो बाकी के टास्क हैं उनको रेशेड्यूल किया जाए, उनको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया जाए, उसको बेहतर तरीके से किया जाए जिससे हमारे पास टाइम थोड़ा सा ज्यादा अवेलेबल हो सके और 30 मिनट्स हम लगा सकें। तो यहां पर जो लास्ट वाले थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट्स हैं कि पूरे दिन में क्या किया वो मेंशन करना है, और जो और अच्छे से करने के लिए और क्या कर सकते हैं उस चीज को मेंशन करना है और उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करना है। तो जब ये चारों चीजें लगातार हम डेली बेसिस पर सोने से पहले करेंगे, सारी रात माइंड इसी चीज पर वर्क करेगा कि इन गोल्स को अचीव करना है, हमारे सामने एक विजन होगा। जो लोग अपने गोल्स को मेंशन नहीं करते और सिर्फ ऐसे ही सोचते रहते हैं, वो कभी भी उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, क्योंकि सोचना एक बात है, प्लानिंग सेकंड टास्क है, एग्जीक्यूशन थर्ड टास्क है, एंड लगातार एग्जीक्यूट करते रहना फोर्थ टास्क है। और जब ये लगातार चारों चीजें कंप्लीट होती हैं तभी गोल अचीव होता है, इनमें से कुछ एक भी मिसिंग होगा तो वो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहला है अपने गोल को मेंशन करना है, सेकंड है जो मेन टास्क है उनको मेंशन करना है, थर्ड कि आपने
उन टास्क को कंप्लीट किया क्या डेली बेसिस पर, उसका ट्रैकर रखो, उसका ट्रैकर बनाओ, डेली बेसिस पर नोट डाउन करो, एंड फोर्थ की इसको और बेहतर तरीके से कैसे किया जाए, ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए, इस बारे में 5 मिनट्स डेली बेसिस पर सोचो। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स एवरीडे स्पेंड करने हैं सोने से पहले। लाइफ में ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो गोल्स आप वहां पर मेंशन करोगे और इस तरीके से सिर्फ 10 मिनट्स इसके ऊपर आप स्पेंड करोगे, आपको वो गोल अचीव नहीं हो, ऐसा होता ही नहीं है। ये एक सिंपल प्रोसेस है, लेकिन सिंपल प्रोसेस होने के बाद भी एक क्वेश्चन आता है, विवेक भाई अगर इतना ही सिंपल है तो हर कोई क्यों नहीं कर लेता, क्योंकि इस सिंपल प्रोसेस को फॉलो नहीं करना और भी ज्यादा सिंपल है। आप समझ गए इस बात को कि इस काम को फॉलो करना, इस तरीके को फॉलो करना सिंपल है, लेकिन इसको भी फॉलो नहीं करना और भी ज्यादा सिंपल है, और क्योंकि फॉलो नहीं करना और भी ज्यादा सिंपल है तो इसलिए हम शायद नहीं करना यहां पर चूज कर लेते हैं और उसको फॉलो नहीं करते। तो यहां इसका सिंपल सा यही आंसर है, एंड दैट्स व्हाई ऑलमोस्ट 99% पीपल आर नॉट एबल टू एटलीस्ट मीन्स दे आर नॉट एबल टू राइट डाउन देयर गोल्स। तो वहां पर जब तक लिखेंगे नहीं तो नेक्स्ट टास्क कहां से आएगा, नेक्स्ट नहीं आएगा तो उसका ट्रैक कैसे करेंगे, और जब तक ट्रैक नहीं करेंगे तो उसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। तो यहां पर चार चीजें होगी, पहले मेंशन करना, उसके बाद में उसको कैसे अचीव करना उस चीज को लिखना, फिर जिस तरीके से अचीव करना उसका उसको ट्रैक करना, पॉइंट वाइज डेली बेसिस पर ट्रैक करना, और जब हम उसको ट्रैक करेंगे तो उसको ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। तो यहां पर इन चारों चीजों को जैसे कंप्लीट कर लेंगे हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह की वीडियोज लगातार देखते रहेंगे, बनाते रहेंगे, अपनी लाइफ को हम सब मिलकर शार्प करते रहेंगे, क्योंकि जो 3 करोड़ फैमिलीज को 100 करोड़ तक लेकर जाना है, एवरी फैमिली का जो पोर्टफोलियो 3 करोड़ फैमिली का पोर्टफोलियो 100 करोड़ ईच का होना चाहिए, जिस इस मिशन पे हम निकले हुए हैं, इसको हम हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, एक और अच्छी बात क्या है, इसमें किसी का भी नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं है जो 3 करोड़ फैमिली से बाहर होंगे उनसे पैसा लेकर यहां पर डाला जाएगा, ऐसा नहीं है। जब हम लाइफ को बेटर बनाते हैं तो यहां पर कैपिटल इनकम इंक्रीज होती है, तो किसी दूसरे की पॉकेट से नहीं आता। जैसे बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, अमेरिकन्स की जो पर कैपिटा इनकम है वो ऑलमोस्ट $70,000 है या $65,000 है एक साल की, इंडियंस की कितनी है, सिर्फ $2,000 है। अगर इंडियंस की भी $2,000 से बढ़कर $10,000 हो जाए एवरी ईयर की, इट मींस ऐसा नहीं है कि जो $8,000 आए वो किसी और से आए, वो जनरेट हुए हैं। जैसे एक छोटा सा पौधा बड़ा बन जाता है तो वो दूसरे पेड़ की लकड़ी को अपने अंदर नहीं लेकर आता, किसी से छीन कर नहीं लेता, वो जनरेट करता है। इसी तरीके से हम भी यहां पर वेल्दी होना एक सिंपल सा प्रोसेस है, किसी दूसरे से छीनने झपटने जरूरत नहीं है, यहां जनरेट करने की जरूरत है। जनरेट करने के लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन चाहिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए जो चीजें शेयर करनी चाहिए वो शेयर कर रहा हूं, जो प्रोसेसेस है उन सबको फॉलो करने के लिए, अचीव करने के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इंप्लीमेंट करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि अब जब तक हम दोस्तों के साथ शेयर नहीं करेंगे तो ये फैमिली 3 करोड़ की बनेगी कैसे। अभी सिर्फ 2 लाख की फैमिली है, जो सब्सक्राइबर्स बेस वाली जो अपनी फैमिली है सिर्फ 2 लाख की है, इसको 3 करोड़ तक लेकर जाना है। ये लंबा मिशन है, ये थोड़ा सा लंबी जर्नी है, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स को लेकर चलते ही है इस लंबी जर्नी पर हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, इस मिशन तक पहुंच सकते हैं। तो मेरे जो इंपॉर्टेंट गोल्स हैं उनमें से एक ये भी है कि इंडियंस 3 करोड़ फैमिलीज को यहां पर सुपर रिच बनाना है। उसके लिए मेरी तरफ से लगातार आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी, लगातार वीडियोज आती रहेंगी, आप सबको सिर्फ और सिर्फ अच्छे से इसको फॉलो करना है, इंप्लीमेंट करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।